अयोध्या में भी शिवलिंग का प्राण प्रतिष्ठा वैदिक रीति रिवाज और पुरोहितों की उपस्थिति में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ज्ञानवापी का मसला जब तक हल नहीं हो जाता तब तक श्री राम आश्रम में लगातार शिवलिंग का विधि विधान पूर्वक पूजन महंत जयराम दास और उनके पुरोहितों और शिष्यों के साथ करते रहेंगे। महंत जयराम दास का कहना है कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जो दो गद्दी के शंकराचार्य हैं उनके आह्वान पर और जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी के उत्तराधिकारी स्वामी अवमुकुत्रानंद आदेश पर बाबा विश्वनाथ जी के लिंग को आह्वान करके और भगवान विश्वनाथ जी को मान करके इनका प्राण प्रतिष्ठा किया गया। ज्ञानवापी मस्जिद में वह शिव मंदिर पाया गया और उस पर तमाम बहस चली। राष्ट्रीय न्यूज चैनलों और देश भर में शास्त्रों के अनुकूल उसका शाब्दिक अर्थ निकाला गया। सभी लोग अपने अपने स्तर पर बोले। उसमें न्यायालय ने ये कह दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद में जो वास्तव में मिले हैं वो नंदी हैं, वह शंकर जी की तरफ देख रहे हैं, जिससे ये प्रमाणित होता है कि यहाँ शिवलिंग है। न्यायपालिका ने यह कह दिया कि यह शिवलिंग है और तत्काल पूजा चालू होनी चाहिए। न्यायपालिका ने इसके साथ ये भी कह दिया कि यहाँ CRPF PAC तैनात हो जाए और शुक्रवार को जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वे अपना अजान करें, अपनी इबादत करें, बाकी दिन यथास्थिति बनी रहे, लोग दर्शन पूजन करें, हिंदू लोग भी शंकर जी को मानकर उनका दर्शन कर सकते हैं। न्यायपालिका के भी इसमें दो पक्ष हैं, इसलिए जब तक एक पक्षीय निर्णय नहीं हो जाता और ये सिद्ध नहीं हो जाता कि यहाँ भगवान विश्वनाथ ही हैं, उनका पूजन अर्चन वंदन चालू नहीं हो सकता। और जब तक दिव्य मंदिर बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक इसके लिए एक विशेष अनुष्ठान चलाया जाएगा। आज हम लोग बाबा विश्वनाथ जी के जो लिंग है उस लिंग को आवाहन करके और भगवान विश्वनाथ जी को मान करके आज हम लोगों ने इनका प्रतिष्ठा किया। वह इसलिए किया कि ज्ञानवापी मस्जिद में वह शिव मंदिर पाया गया और उस पर तमाम बहस चली राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों पे और देश भर में शास्त्रों के अनुकूल उसका शाब्दिक अर्थ निकाला गया। सभी लोग अपने अपने स्तर से बोले। उसमें न्यायालय ने यह कह दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद में वास्तव में जो नंदी हैं वह शंकर जी की तरफ देख रहे हैं, यह प्रमाणित होता है कि यहाँ शिवलिंग है। तो जब न्यायपालिका ने इस बात को कह दिया कि यहाँ शिवलिंग है, तब न्यायपालिका कह दिया शिवलिंग है तो तत्काल पूजा चालू होनी चाहिए। लेकिन न्यायपालिका ने इसके साथ साथ ये भी कह दिया कि वहाँ CRPF PAC तैनात हो जाए और जो शुक्रवार को है वो लोग जा करके अपना अजान करें और अपना जो इबादत होता है वो करें, बाकी दिन ऐसे यथास्थिति बने रहे, लोग दर्शन करें, हिंदू लोग भी शंकर जी को मानकर दर्शन करें। तो ये तो न्यायपालिका का भी दो पक्ष हो गया, एक पक्ष नहीं हुआ। इसलिए अब जब तक एक पक्षीय नहीं हो जाता और जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता कि वह भगवान विश्वनाथ ही हैं और उनका पूजन अर्चन वंदन नहीं चालू हो जाता और मंदिर बन करके दिव्य भव्य नहीं तैयार हो जाता, तब तक हम यहाँ पर एक विशेष अनुष्ठान करने जा रहे हैं जो आज से प्रारंभ हो गया। नित्य प्रति आप लोगों को हमारे फेसबुक माध्यम से भी लाइव दिखाई देगा और नित्य अभिषेक इनका रुद्राभिषेक होगा, जो राजोपचार विधि विधान से होता है वह होगा नित्य। जब भगवान विश्वनाथ जी का मंदिर बन जाएगा ज्ञानवापी पर, तब क्या होगा आप कहेंगे, तो तब एक सामान्य रूप में जो शंकर जी का पूजन होता है तब आजीवन यहाँ भी चलता रहेगा। विश्वनाथ जी को मान करके हम लोग करेंगे। मैं महंत जयराम दास एवं अयोध्या नगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर संचालक, श्री राम आश्रम कनक भवन रोड, रामकोट, अयोध्या जी।